हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्व डिज़ाइन। मेरा नाम है इरफान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेगमेंट, क्योंकि आज सैटरडे है। जिस तरह मैंने अपनी आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हर सैटरडे हम एक कोई भी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। ये बहुत छोटी सी क्लास होगी, लेकिन जो आज हम सीखेंगे वो है कि हम एक या दो मिनट के अंदर किस तरह बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर के आए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। जैसे ही आपने अपनी बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर ली है। ये मेरे सामने एक पिक्चर है और मैं इसकी एक मिनट के अंदर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस सबसे पहले यहाँ पर ऐड टू मास्क इसमें ऐड कर दूँगा और मेरे पास विंडो में प्रॉपर्टी वाला पैनल यानी कि प्रॉपर्टीज़ ओपन होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है, मैं यहाँ पर इसको निकाल कर थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपनी ये ऐड टू मास्क के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इमेज का साइन बना हुआ आ रहा होगा। ये आपने ये देख लेना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते सारी आपके पास नीचे क्विक एक्शन के अंदर रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन है, आपने उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देना है। यहाँ से ये इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी बैकग्राउंड के अंदर कोई भी लेयर आप ऐड करें, देखने के लिए कि क्या इसकी जो कटिंग हुई है बिल्कुल परफेक्ट हुई है। मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर ली और उसके अंदर कोई भी ब्लैक कलर मैंने इसमें ऐड करके देख लिया। ऑल्ट बैकस्पेस से इसको मैं नीचे रख रहा हूँ और अब ये देखें मेरी बैकग्राउंड कितनी परफेक्ट तरीके से रिमूव हो चुकी है। आज की जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो है सिलेक्शन ट्रिक। तो वो सिलेक्शन ट्रिक किस तरह करते हैं, आइए वो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम अपनी सिलेक्शन टूल पे आते हैं, यहाँ पे मैंने एक अपनी एक तस्वीर ओपन कर रही है जिसको हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन टूल की ट्रिक हम आज किस तरह देख रहे हैं, यानी कि हमने अपनी कोई भी सिलेक्शन की और हम उसको सेव कैसे करेंगे ताकि कभी भी हमें सेम उसी ऑब्जेक्ट पर अपनी वो सिलेक्शन चाहिए हो तो हम उसको वहाँ से लोड करवा सकें। तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने उतने एरिए की जिसकी आपको सिलेक्शन चाहिए आपने उसकी सिलेक्शन कर लेनी है। जैसे आप क्लिक करके छोड़ेंगे आपके पास सिलेक्शन हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी सिलेक्शन है ये हमेशा मेरे पास सेफ रहे सेम ऑब्जेक्ट पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पर सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इस पर्सन का या कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम रख लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेव के नाम से सिलेक्शन के नाम से सेव कर देता हूँ इस फाइल को और मैंने ओके कर दिया। अब ये सिलेक्शन मेरी सेव हो चुकी है। मैंने कंट्रोल डी करना है यानी कि डी सिलेक्शन कर देना है और दोबारा सेम मुझे यही सिलेक्शन इसी ऑब्जेक्ट पर चाहिए। तो मैं सिलेक्ट में जाऊँगा, लोड सिलेक्शन पर जाऊंगा और यहां से सेव सिलेक्शन में जो मैंने सिलेक्शन सेव की हुई थी उसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक सिलेक्शन आ चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली टिप एंड ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको टिप एंड ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।